नमस्ते, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिलीवरी के पश्चात महिलाओं को सबसे बड़ा तनाव होने लगता है उनके वजन को लेकर के। उन्हें लगता है कि उनका शरीर कब तक अपनी पुरानी अवस्था में लौटेगा। देखिए, जो शरीर आपका 9 महीने तक धीरे धीरे बढ़ा है, उसे अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के लिए समय तो लगेगा ही, और इसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पहले के ज़माने में महिलाएं क्या करती थीं, जिससे कि उनका शरीर सुडौल दिखता था और उनके पेट नहीं निकलते थे। आजकल की महिलाओं के पेट अधिकतर निकलने लगे हैं, उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? और जो एब्डोमिनल बेल्ट होता है, ये पहले तो होता नहीं था। तो पहले के ज़माने में महिलाएँ क्या करती थीं, अपने आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में हर महिला का वजन कम ही होता है, खासतौर से जिनकी पहली डिलीवरी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, हम हाई प्रोटीन लेते हैं, कैल्शियम वसा युक्त भोजन लेते हैं, जिससे कि हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और डिलीवरी के पश्चात पेट खाली हो जाता है, यानी कि आपका गर्भाशय जो होता है वो खाली हो जाता है और पेट थोड़ा थोड़ा खुला हुआ सा दिखाई देता है। कुछ महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि डिलीवरी के पश्चात हमारा पेट फूलना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका गर्भाशय खाली हो जाता है तो गर्भाशय को अपनी पुरानी स्थिति में, जैसे कि आपने अगर गुब्बारे को फुला दिया है और गुब्बारे में से हवा निकाल दिया है, तो आप देखेंगे कि गुब्बारा जैसे पहले था वैसा नहीं रह जाता, थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा महसूस होने लगता है। ठीक उसी तरह से हम महिलाओं का शरीर भी होता है। डिलीवरी के पश्चात जब गर्भाशय में से बच्चा बाहर आ जाता है, तो गर्भाशय को अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के लिए और जो हमारे पेट में ऑर्गन्स हैं उनके बीच में सेट वापस से होने के लिए उसे भी समय लगता है। यही वजह है कि आपको आपका पेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है। पहले के ज़माने में महिलाओं को जिस समय डिलीवरी होती थी तो उन्हें कुछ चीज़ें दी जाती थी, जिससे कि उनका शरीर सुडौल बना रहता था। आजकल की महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हमें जो पहले के ज़माने में खाई जाती थी चीज़ें शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए और नवजात शिशु को भरपूर मात्रा में दूध मिल सके उसके लिए, और हमारे शरीर में डिलीवरी के पश्चात जो दर्द होता है, जो हैवी ब्लीडिंग होती है, उसकी रिकवरी के लिए, तो वो चीज़ें आजकल ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि आजकल फास्ट फूड जैसे सेव पूरी हुआ, पानी पूरी हुआ, भेल पूरी हुआ, चाट हुआ, ये सब चीज़ें महिलाएं ज़्यादा खाती हैं, तो उन्हें आदत सी हो जाती है कि कब, क्योंकि 9 महीने तक ये सब चीज़ें बहुत कम खाने के लिए मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि कब शरीर पुरानी स्थिति में आ जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मुझे भी लगता था कि शरीर किस तरह से ख़राब हो चुका है, अब शायद कभी भी ऐसा नहीं होगा, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं, चलने फिरने में तकलीफ महसूस होती है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे सीजरियन डिलीवरी हुई हो, दिक्कत दोनों में आती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कम आती है अगर नीचे टाके नहीं आए हैं तो, लेकिन जिन्हें नीचे टाके आ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, तो सीजरियन डिलीवरी से कहीं ज़्यादा दिक्कतें उनके सामने भी खड़ी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि पहले के समय में भी लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो एब्डोमिनल बेल्ट आजकल लगाती हैं महिलाएं, जो कि ऑनलाइन मंगाया जाता है, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि ऑनलाइन हर किसी को ऐसा बेल्ट मिल सके या फिर लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते रहे हों। पहले के समय में लोग अजवाइन को भून लेते थे। जैसा कि आपने सिड थेरेपी सुना होगा कि सिर को सर्जिकल पट्टी, यानी इस तरह की जो सर्जिकल पट्टी होती है, इस पर सिर चिपकाए जाते हैं और इससे हमारी बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे मेथी के दाने से। तो यहाँ पर ये जो सर्जिकल पट्टी है, यहाँ पर मैं आपको चिपका के दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पर जल्दी में मुझे सिर्फ जीरा मिला है तो मैंने इसे ही ले लिया है। जीरे का प्रयोग तो किसी बीमारी के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन मेथी और मटर के दाने, इन सब चीज़ों का प्रयोग इस सर्जिकल पट्टी के ऊपर करके इसे इस तरह से चिपकाना होता है, जहाँ पर कि हमारा
पॉइंट होता है उस बीमारी से संबंधित, तो इससे बीमारी को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ये जो एब्डोमिनल बेल्ट होता है ये नहीं होता था, तो पहले के समय में महिलाओं को अजवायन सेक लिया जाता था तवे पे, और उसके बाद में कॉटन का एक कपड़ा लिया जाता था जिसके अंदर उस अजवायन को फैला करके अच्छी तरह से बांध दिया जाता था या फिर उसके आगे पीछे सिलाई कर दी जाती थी, और उससे महिलाओं के पेट के ऊपर हल्का बांधा जाता था। तो जो अजवायन की गर्माहट होती थी वो गर्माहट हमारे गर्भाशय को मिलती थी, जो कि काफी अच्छा होता है। तो ये एक सेक दिया जाता था, इस तरह का जो बेल्ट महिलाएं बनाया करती थी, स्वयं बनाती थी, उसमें अजवायन को तवे के ऊपर सेक करके उस कपड़े में बांधा जाता था या सिला जाता था, और उसी कपड़े को हल्का महिलाओं के पेट के ऊपर बांधा जाता था। उन्हें गर्म पानी दिया जाता था, कहा जाता था कि इस पानी से महिलाओं के जो अंदरूनी घाव होते हैं, यानी कि गर्भाशय जो खुल गया रहता है फिर वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट रहा होता है, तो इसमें काफ़ी मदद मिलती है इस सेक के करने से, यानी कि जो अजवाइन का सेक है वो, और जो गर्म पानी महिलाओं को पीने के लिए दिया जाता था वो। पहले के समय में फ्रिज उतना इस्तेमाल नहीं होता था, जिसकी वजह से कि महिलाओं को ठंडे पानी की आदत नहीं थी, तो इसलिए उन्हें काफ़ी आसानी होती थी उस गर्म पानी को पीने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही दिया हुआ है, जिनकी की डिलीवरी हुई रहती थी तो उन्हें एब्डोमिनल बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेल्ट लगाने की आवश्यकता है और इससे आपका वजन कम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। बेल्ट लगाने से वजन कम नहीं होता है, सिर्फ आपका पेट जो कि खाली हो चुका है, पहले उसमें बच्चा था जिसकी वजह से कि पेट आपका भरा हुआ था, आपका गर्भाशय पूरी तरह से भरा हुआ था, और अब अचानक खाली हो जाने से पेट इधर उधर हिलने लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आपने भर के रखा है, उसे अगर आप खाली करते हैं, ये बर्तन है, ये वजन है क्योंकि इसमें जीरा भरा हुआ है, अगर मैं इसे खाली कर दूंगी हवा का झोंका आएगा, या फिर किसी चीज़ से ज़रा सा भी इधर उधर हल्का सा धक्का लग गया तो ये चीज़ गिर जाएगी क्योंकि ये खाली हो जाएगी। तो इसी तरह से महिलाओं का शरीर जिसमें कि बच्चा था और अब अचानक से बच्चा बाहर आ गया है, तो उस शरीर को उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए बेल्ट लगाया जाता है। और पहले के ज़माने में गर्भाशय को सेक देने के हिसाब से इस बेल्ट को इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो मैंने अजवायन का बताया बेल्ट बनाया जाता था, इस तरह से महिलाओं के पेट पहले भी बांधे जाते थे, लेकिन उनकी सुविधा के लिए उनका पेट इधर उधर हिलने से उन्हें तकलीफ होती थी, और इससे बच्चेदानी को भी पुरानी स्थिति में लौटने में, ऑर्गन्स के बीच में सेट होने में काफ़ी समय लग जाता था। इसके लिए उस बेल्ट को तैयार करके महिलाएं बांधती थीं, लेकिन खाने पीने की जो सामग्री होती थी वो ऐसी रहती थी कि महिलाओं का शरीर कम खुलता था, और कम से कम 6 महीने तक या 2-3 महीने तक महिलाओं को उस तरह का चीज़, यानी कि जो गूंद का लड्डू होता है, या फिर ड्राई फ्रूट दूध में पका करके, या फिर ड्राई फ्रूट कच्चा दिया जाता था, घी में सेक करके दिया जाता था, घी में सेक कर दूध में पका करके दिया जाता था, इस तरह से कई चीज़ें महिलाओं को खाने के लिए दी जाती थी जो हैवी प्रोटीन होता था। इससे बच्चे को पीने के लिए दूध भी काफ़ी मात्रा में माँ के शरीर में बनता था, तो ऐसे फूड माँ को खाने के लिए दिए जाते थे। तो आज भी आपको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, बेल्ट आप लगाइए। अगर आप चाहें तो अजवाइन के सिर का बेल्ट स्वयं घर पे बना सकती हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। डिलीवरी के पश्चात 10 से 15 दिन के अंदर जो अजवाइन का बेल्ट महिलाओं को बांधा जाता था, लेकिन वो बहुत टाइट नहीं बांधा जाता था, 1-2 घंटे के लिए ही बांधा जाता था। और जो बेल्ट होता है उसे आप डिलीवरी के कम से कम 3-4 सप्ताह बाद बांध सकती हैं, या फिर अगर आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई है तो कम से कम 2 महीने तक रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने तुरंत बेल्ट बांधना शुरू किया तो जो अंदरूनी घाव है उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए तुरंत बेल्ट का इस्तेमाल ना करें। इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि इससे वजन नियंत्रित नहीं होगा, वजन आपका धीरे धीरे 9 महीने तक बढ़ा है, वजन और आपके शरीर को वापस पुरानी अवस्था में आने के लिए आपको कम से कम 1 साल तक का समय जरूर लग जाता है। अगर आप किसी चीज़ को अचानक से रोक देने की कोशिश करेंगी तो इसका दुष्परिणाम आपके सामने आएगा। अगर आपने खाना पीना अच्छे से नहीं लिया, या आप तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दे रही हैं, तो इससे आपके शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं, आपके बच्चे को प्रॉपर मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है। इसलिए ये आप अवश्य ध्यान रखिए कि 9 महीने में आपके शरीर का वजन बढ़ा है तो 1 साल लगेगा आपके शरीर को पुरानी अवस्था में आने के लिए।
आपके बच्चे के लिए आपका ब्रेस्ट फीडिंग बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आगे चलकर के आपके ब्रेस्ट में कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है और बच्चे को आपका दूध मिलने से उसे भी कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए आपको हैवी प्रोटीन लेना बेहद आवश्यक है। गर्म पानी आपके अंदरूनी घाव को नियंत्रित करने के लिए, आपकी चर्बी को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मैं गर्म पानी हमेशा पीती हूँ। यही वजह है कि मेरे शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं इकट्ठी हो पाती है और मेरा वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा आप व्यायाम करिए। अगर आपको बेल्ट लगाना ही है तो आप कुछ सावधानियाँ जरूर बरतें कि रात में बेल्ट न लगाएं, तुरंत बेल्ट लगाना न शुरू कर दें, 2-4 सप्ताह तक अवश्य रुक जाइए। बहुत टाइट आप बेल्ट को न बांधें, और अगर चाहें तो जो मैंने बताया कि अजवाइन के सीड से आप घर पर बना सकती हैं बेल्ट, तो आप उसे बना सकती हैं। थोड़ा हल्का रोज उसे से करके आप 1-2 घंटे के लिए बांध सकती हैं। इससे आपके अंदरूनी घाव भी ठीक होंगे और आपका पेट भी नियंत्रित रहेगा। तो आप इन बातों को अवश्य ध्यान रखिए, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।